एयरपोर्ट वीरान, होटल वीरान, कैसीनो वीरान, जुएखाने वीरान, शादी हॉल वीरान, सिनेमा घर वीरान, बाजार वीरान, जहां तक के दुकानें वीरान, गहमा गहमी खत्म, रौनकें बर्बाद हो गईं, तलीमी इदारे दुनिया भर में बंद, महफिलें खत्म, समंदर के किनारे नंगे लोगों से वीरान, जना के अड्डे वीरान, शराब खाने वीरान, लोग नोटों तक से डरने लगे। अमेरिका ने यूरोप से आने वालों को रोक दिया, पूरी दुनिया ने मुंह छुपा लिए। दोस्तों, मजीद वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल ग्लोबल स्पीक सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को जरूर ऑन कर लें ताकि इस तरह की मजीद और इंटरटेनमेंट वीडियो आपको बरवकत मिलती रहे। दोस्तों, जो लोग कहते थे कि नकाब औरत को कैद करता है, सब बेनकाबों ने नकाब पहन लिए। पपियां जफियां खत्म हो गईं, चुमियां अंग्रेजों ने खत्म कर दी, खांसने वाला खुद कुछ लगने लगा, दमे वाला एटम बम, हर बंदा दूसरे से खौफजदा हो गया। दुनिया की तरक्की बढ़ गई, यहां से निकली थी साइंस बढ़ गई, मेडिकल साइंस, जमीन बोस हो गई, दवाइयां राख बन गई, इंजेक्शन बेअसर हो गए, मौत के साए मंडराने लगे। चंद दिनों में खौफ ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया। आज कौमी सब्जी के शेरों के चेहरे लटके हुए थे और अपनी जान के लाले इनको पड़े हुए थे। कह रहे थे सबसे पहले असेंबली मेंबरान को फौकियत दी जाए। ईरान में वजीर मर गए, जेलों में खौफ फैल गया। ईरान जैसे मुल्क ने 5000 बड़े मुजरम कैदी रहा कर दिए। अमेरिका ईरान से अपने कैदियों की भीख मांगने लगा। ईरान ने आईएमएफ से 5 अरब डॉलर पहली दफा मांग लिए। सऊदी शेर दुबक गए, जो कहते थे गैर अल्लाह से मदद मांगना शिरक है, वो गैर अल्लाह के आगे लेट गए। लोगों के अकीदे बदल गए, मजहब जबीन बोस हो गए, अल्लाह का खौफ नहीं कोरोना का खौफ छा गया। लोग टैक्सी पर नहीं बैठते, हर इंसान बिल में घुसने की कोशिश में है। अभी कल अमवात सिर्फ 5000 हैं, अगर 10000 से बढ़ गई तो पता नहीं क्या होगा। एक अनजाना सा खौफ छा गया, मौत बरहक, जिसने कोरोना से मरना है वो उससे मरेगा जो इसके पैदा होने से पहले लिख दिया गया। फलां बड़ा तरक्की याफ्ता है, ट्रंप ने कहा हमारे साइंसदान एक दिन में वैक्सीन निकाल लेंगे। अभी साइंसदानों ने कहा एक साल लग सकता है, वो भी यकीन से नहीं कह सकते। अनकरीब मस्जिदें वीरान हो जाएंगी, अगर हरामैन शरीफें खाली हो सकती हैं तो यहाँ तो खैर से झाड़ू भी कोई नहीं लगाता। कोई मुल्क दूसरे मुल्क की मदद का वादा नहीं कर रहा, किसी मुल्क के डॉक्टरों की टीम कहीं नहीं जा रही। मेरा जिस्म मेरी मर्जी का जुलूस रखवाएं, बल्कि ट्रेन मार्च करवाएं। काश इंसान अपने रब से इतना डरता तो फरमाया, वलमन खौफ मकाम राजा जताना, जो अपने रब के सामने जाने से डर गया, इसके लिए दो जन्नतें हैं। ए इंसान, तू कितना बुजदिल है, वो जो कहते हैं सिर्फ अल्लाह से डरता हूं, वो भी लेट गए। इंसान पहले हौसला हारता है, फिर सब कुछ हार जाता है। अगर आज काफर मुशरक यहूदो नसार मुसलमान सब एक जैसे खौफ वाले हैं तो फिर अल्लाह पर भरोसा कौन करेगा। मौत का एक दिन मुय्यन है, फिर नींद क्यों रात पर नहीं आती। दोस्तों, कमेंट करके हमें अपनी राय का जरूर इजहार कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।